हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक और क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ जिसमें क्या करना है आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे कि अब आपको करना है 12, 15 और 21 का क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। बहुत ही आसान, सबसे पहला काम क्या करिए, 12 के बना दीजिए प्राइम फैक्टर, बहुत ही आसान। 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 1 3। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट कर दीजिए, क्या राइट करना है बेटा, प्राइम फैक्टर। क्या राइट करेंगे आप लोग, प्राइम फैक्टर ऑफ किसके, 12 के, वो कितना हो बेटा, 2 into 2 into 3। अब क्या करेंगे, सिमिलरली क्या करना है बोलो बेटा जल्दी से, प्राइम फैक्टर बनाना है, किसके बनाना है प्राइम फैक्टर, 15 के बनाना है, बना दीजिए, बहुत ही आसान। 3 से 3 5 जा 15, अब किससे, 5 से 5 1 जा 5। यहाँ पर आप लोग क्या करिए, राइट कर दीजिए, क्या राइट करना है आप लोगों को, प्राइम फैक्टर ऑफ किसके बेटा, 15 के, वो कितने हो जाएंगे, 3 into 5 into 1, ठीक है ना, इंटू वन हम लोग कर सकते हैं क्योंकि 1 तो किसी का भी मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 21, डिवाइड कीजिए किससे, 3 से, 3 7 जा 21, किससे बेटा, 7 से, 7 1 जा 7। क्या करेंगे, राइट कर दीजिए, क्या राइट करना आप लोगों को, बहुत ही आसान। प्राइम फैक्टर ऑफ किसका बेटा, बोलो जिससे, 21 का, वो कितना हो जाएगा, 3 into 7 into 1, बहुत ही आसान। अब क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम चाहिए, तो क्या करेंगे बोलो जल्दी से बेटा, एचसीएफ ऑफ किसका, एचसीएफ देखो किस किस का चाहिए, 12 और किसका बेटा, 15 और किसका, 21 का। क्या करना है, बहुत ही आसान। अब देखो यहां पर कितने, 2 into 2 into 3 है, यहां पर 3 into 5 है, यहां पर 3 into 7 है। अब देखो इन इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो इसमें 2 2 है, इसमें 2 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें एक 3 है, क्या इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें 7 है पर इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें एक 5 है पर इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 times 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए वो नहीं आएंगे। तो कॉमन क्या आएगा, मतलब एचसीएफ क्या आएगा, जो तीनों में क्या हो जाए कॉमन, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। अब किसकी बात करते हैं बेटा, एलसीएम की, तो एलसीएम ऑफ किसका चाहिए, 12 15 और 21 का। बहुत ही आसान, मैंने क्या बताया था, पहले वाले के सारे लिख दो, पहले वाला कौन है, देखो 2 into 2 into 3, क्या पहले वाले के सारे लिखा गए, ठीक है। अब दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले का जो यहां लिखा जा चुका है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो यहां आ चुका है उसको नहीं लिखना है, तो यहां 3 आ चुका है इसलिए 3 को नहीं लिखना है, तो कौन लिखाएगा, सिर्फ 5। फिर देखो बेटा उसके बाद क्या करना है, तीसरे वाले में, तीसरे वाले का भी जो यहां आ चुका है उसको नहीं लिखना है, इसका क्या आ चुका है, 3 आ चुका है, इसको नहीं लिखना है, तो कौन बचा, सिर्फ 7। अब क्या करना है, इनका इंटू कर लेना है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, इंटू कौन हो गया बेटा, 5, इंटू कौन आ गया, 7, 12 5 जा कितना हो गया, 16, इंटू कौन हो गया, 7, 7 0 कितना होगा, 0, 7 6 जा कितना हो जाएगा, 42, मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 420। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना सकते हैं और घर पे आप लोग ट्राई करिए, इससे कोई से भी अपने मन से भी 3 नंबर लीजिए और उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि आप लोग सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे, नहीं सीख रहे तो वीडियो को 2-3 बार देखें, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ जाएगा।